शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम युग पर हमें ईश्वरीय सुख मिलता है। सुख तो संसार में भी जितना थोड़ा बहुत है। पदार्थों का सुख, संबंधों का सुख, लेकिन भगवान से मिला हुआ सुख बहुत अनुपम, बड़ा अलौकिक है। और हम सभी बाबा के बच्चे इस सुख के अधिकारी भी हैं। तो किन्हें ये सुख मिलता है? जो सुख स्वरूप स्थिति में रहते हैं, जो शांत रहते हैं, जो एकाग्र चित्त होकर देही अभिमानी बनते हैं। देही अभिमानी स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, जिसमें आत्मा अपने सातों गुणों का स्वरूप बन जाती है। हमें इन सातों गुणों पर बहुत ध्यान देना है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान हमारे जीवन में आता जाए, ज्ञान हमारे चिंतन में आता जाए। श्याम स्वरूप, शांति की गहन अनुभूति हम एक बार रोज अवश्य करें। और हमारा चित्त सदा के लिए शांत होने लगे, कोई भी बात हमें अशांत न करे। सुख, दुखों से हम मुक्त हो जाएं, किसी की बात, कोई भी जीवन में आने वाली बात हमारे सुख को हमसे छीन न सके। पवित्रता, सबसे बड़ा स्वरूप जो सुख शांति का भी आधार है, उस पर हम बहुत ध्यान दें। प्रेम, सब आत्माओं के लिए चित्त में प्रेम बढ़ता चले, शक्तियां बढ़ती चलें, तो हमारा दिनों दिन हमारी स्थिति में आनंद और खुशी बढ़ती चले। परिस्थिति आती है, चली जाती है, बुरा टाइम आता है, पास हो जाता है, कुछ भी सदा नहीं रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए जीवन में जब बातें आने लगे, जब समस्याएं आने लगे, तो घबराना नहीं चाहिए। और बाबा हमारे साथ है, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी शब्द भी उसके लिए छोटा है, सबसे सर्वोच्च शक्ति हमारे साथ है। सारे संसार की सारी शक्तियां मिला दें तो भी बाबा की शक्ति के भेद में 1% भी नहीं है। ऐसा सर्व शक्तिवान हमारा साथी है, उसके साथ का सुंदर अनुभव करते हुए हम अतिंद्रिय सुख में रहें। जो आत्मा कर्मेंद्रियों के सुखों से बाहर निकल जाती है, उसे ये ईश्वरीय सुख, अतिंद्रिय सुख भासता रहता है। ये सुख बहुत ही बड़ा है, इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंद्रियों से परे का सुख है, तो इंद्रियों के द्वारा इसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इसका तो रसास्वादन करने वाले ही इसको जानते हैं। तो हम इस सुख की ओर बढ़ें। इस सुख को पाने से हमारे जन्म जन्म के कष्ट स्वतः ही लोप हो जाएंगे। तो बार बार अभ्यास करेंगे, ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। इस न्यारेपन की फीलिंग से ये सुख भासेगा और बहुत सुंदर अनुभूति चिंतन के द्वारा होगी। चिंतन, श्रेष्ठ संकल्प, आनंदकारी संकल्प, मन को खुशी देने वाले संकल्प हमारी इस स्थिति में दिनों दिन वृद्धि करेंगे। शरीरी होने से डीप साइलेंस होगी और एक परम सुख का अनुभव अंदर ही अंदर होगा। परंतु बाबा से बात करने से, उसने मुझे क्या क्या दिया ये याद करने से, जीवन आनंदित होगा। दोनों जब मिल जाएंगे तो निरंतर हम अतिंद्रिय सुखों की राह पर चलने लगेंगे और तब ये संसार की सभी बातें और सुख हमें नीरस और फीकी लगने लगेंगी। तो आज सारा दिन
हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। शरीरी होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाप दादा को अपने पास बुलाएंगे और उसकी उपस्थिति फील करेंगे और फील करेंगे कि उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है हर घंटे में एक बार। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।